नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया दोस्तों। ये देखो आईफोन 6S मॉडल नंबर देखो A1586। तो मैं इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको कि क्या है। जो होम बटन है वो वर्क नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अभी दिखाता हूँ आपको एक ऑप्शन निकल के, अभी इसमें बैक नहीं हो रहा है। तो ये वाली बटन ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका फिंगरप्रिंट ऑपरेट हो रहा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो फिंगरप्रिंट तो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन बैक की ऑपरेट नहीं हो रही है दोस्तों। अभी मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से बैक जाता हूँ तो बैक नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। इसके लिए आपको मोबाइल खोलना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वाली स्ट्रिप आपको चेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये वाली स्ट्रिप मैं चेंज करूंगा दोस्तों, तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं देखते हैं। उसका दोस्तों बाकी सब तो ऑपरेट होता है, लेकिन जो होम की बटन है वर्क नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं स्ट्रिप बदल के चेक करता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं दोस्तों। तो मेरे पास एक स्ट्रिप है, तो ये ओपन करना पड़ेगा। देखो आपको ये स्ट्रिप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक स्ट्रिप है, देखो देखो दोस्तों मैंने यहाँ टोटल स्पीड बदल दी है। तो अभी चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो आपको मैं ऑप्शन में जाके दिखाता हूँ।
ठीक है, तो ये देखो मैं कौन से भी ऑप्शन में जाता हूँ तो होम की बटन वर्क होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से वो स्ट्रिप चेंज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों।